हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकंड ईयर का नाइन्थ पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसके अंदर हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड यूनिट के हमारे तीन टॉपिक क्लियर हो गए हैं। आज हम फोर्थ लेक्चर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि थर्ड लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था। हमने किया है अपनी स्किल्स शुरू कर रखी है कि स्किल्स चार हैं, श्रवण कौशल, पठन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और लेखन कौशल। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने किया था कि श्रवण कौशल, जिसे क्या बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर, लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल के अंदर मैंने आपको बताया कि श्रवण कौशल का अर्थ, उसके उद्देश्य, महत्व, तत्व और श्रवण कौशल में दोष के क्या कारण है, ये हमने क्लियर किया लेक्चर नंबर तीन के अंदर। अब हम जो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर फोर के अंदर, हम करेंगे पठन कौशल, जिसको क्या है इंग्लिश में रीडिंग स्किल भी बोला जा सकता है। पठन को आप वाचन कौशल भी बोल सकते हो, पठन या वाचन कौशल, जिसे क्या बोलेंगे हम, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, पहले हम लेते हैं आज इसका अर्थ, पठन कौशल का अर्थ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पठन या वाचन कौशल का अर्थ। आप पहले हम अर्थ क्लियर करते हैं कि जो रीडिंग स्किल है, जिसका क्या है, पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो इसका अर्थ क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम इसका अर्थ कर रहे हैं स्टूडेंट कि प्राय पढ़ने को ही वाचन कहा जाता है, कि प्राय प्राय पढ़ने को ही वाचन कहा जाता है। जब बच्चा लिपिबद्ध अक्षरों का उच्चारण सही ढंग से करना शुरू कर देता है, उसे हम पठन या वाचन कौशल बोल सकते हैं। अब बात आती है कि लेकिन वाचन का अर्थ यही नहीं है, अर्थात व्यक्ति के बिना लिपिबद्ध अक्षरों का कोई महत्व नहीं है। जब बच्चे लिपिबद्ध अक्षरों को पहचानने लगते हैं और उसका निर्मित शब्दों को पढ़ने लगते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि शब्दों को पढ़ना ही अकेला काफी नहीं है, बल्कि पढ़ने के साथ साथ उनका अर्थ ग्रहण करना भी बहुत जरूरी है। तो अतः केवल शब्दों को पढ़ने के लिए ही उनका अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है। लिखित भाषा किसी न किसी विचारों को अभिव्यक्त करती है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पठन या वाचन कौशल बोलेंगे। कि पढ़ने के साथ साथ जब बच्चा एक लिपिबद्ध अक्षरों का सही ढंग से उच्चारण करने लग जाता है, तो हम उसे क्या वाचन बोल सकते हैं। लेकिन जो अर्थात व्यक्ति के बिना लिपिबद्ध अक्षरों का जो है वो भी उच्चारण सही नहीं है, तो बच्चे को क्या है, पढ़ने के साथ साथ उनका अर्थ ग्रहण करना भी बहुत जरूरी है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाचन बोलते हैं। क्योंकि जो लिखित हमारे पास सामने सामग्री पड़ी है, लिखित रूप में कुछ भी पड़ा है, तो उसका क्या है, वो लिखित जो भी कोई चीज है, वो कोई ना कोई हमें किसी ना किसी चीज की अभिव्यक्ति करवाएगी। अब मैं आपको एक डेफिनेशन देती हूँ, परिभाषा देती हूँ, वो किसने कहा है, उमा मंगल ने कहा है। डॉक्टर उमा मंगल लिखती है कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को पठन या वाचन कहा जाता है। ये किसने कहा है, डॉक्टर उमा मंगल ने कहा है। अब हम पठन और वाचन से रिगार्डिंग क्या है, हमें मुख्य तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी मुख्य तीन बातें हैं, फर्स्ट है ध्वनि के प्रतीक अक्षरों की पहचान, जो ध्वनि है उसके प्रतीक अक्षरों की पहचान होनी बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है कि लिपिबद्ध अक्षरों को मुख से बोलना और मन से पढ़ना, जो लिपिबद्ध अक्षर है उनको क्या है, मुख से बोलना बहुत जरूरी है और मन से पढ़ना जरूरी है। थर्ड पॉइंट आता है, तीसरा अवस्था
में अर्थ ग्रहण करना। तो इन तीन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, पठन या वाचन स्किल के अंदर, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के अंदर। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है ऐसे के अंदर कि वाचन का महत्व। अगला पॉइंट है वाचन का महत्व। आप इसे पठन का महत्व भी बोल सकते हैं, वाचन का महत्व, क्योंकि पठन को ही वाचन कहा जाता है। तो वाचन के ऊपर हम चलते हैं, इसका क्या महत्व है हमारे लिए कि जो हिंदी भाषा शिक्षण में पठन अत्यधिक महत्व है। पठन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रीधर मुखर्जी ने कहा है कि पठन ज्ञान की कुंजी है। अब उन्होंने ज्ञान की कुंजी क्यों कहा है, हम बात करते हैं कि वाचन शक्ति, अगर हमारी वाचन शक्ति ठीक रहे तो मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर उन्हें क्या है समझ सकता है। ये किसने कहा है, श्रीधर मुखर्जी ने कहा है, श्रीधर नाथ मुखर्जी ने कहा है कि पठन ज्ञान की कुंजी है, कि यह ज्ञानार्जन की कुंजी है, पठन एक कला है। कि अगर मनुष्य का पठन ठीक रहता है तो वो जटिल से जटिल भी विषय पढ़कर दूसरों को सुना सकता है। अगर अगर वाचन हमारा जो वाचन है वो ठीक नहीं है तो हम क्या है कुछ भी नहीं अच्छे से पढ़ पाएंगे और दूसरों के सामने उसका कुछ एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बोल सकते हैं सुवाचन, कि सुवाचन के बिना न तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और न ही कोई अच्छा इन लाइफ के अंदर ना ही कोई सक्सेसफुल हो सकता है। कि अगर वाचन अच्छा है, दूसरों को अपने वाचन के द्वारा वो प्रभावित कर रहा है तो वो जटिल से जटिल विषय भी पढ़कर दूसरों को सुना सकता है। अब हम बात लेते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर सफर करते हैं एक मुसाफिर के रूप में, तो अगर हमारा वचन अच्छा है, वाचन अच्छा है तो हम क्या है अपना जो सफर है उसे अखबारों के माध्यम से, कोई हमारे हाथ में बुक है तो पढ़कर भी हम जो अपना सफर है अच्छे से उसे सुविधाजनक बना सकते हैं, सुलभ बना सकते हैं। तो ये किसके द्वारा संभव है, सारा पठन के द्वारा ही संभव है। अब हम जो बात कर रहे हैं महत्व, तो महत्व को हम क्या है पॉइंटों के द्वारा क्लियर करेंगे। इसके अंदर मैं स्टूडेंट आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि हमारे संस्कृति सभ्यता ग्रंथों, जो हमारी संस्कृति है उसके सभ्यता के सद ग्रंथों में निहित है। जो हमारी संस्कृति है वो क्या है, जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों के अंदर निहित है, जिनके अध्ययन से हम अपनी प्राचीन संस्कृति के सागर में गोता लगाकर अनमोल रत्न प्राप्त कर सकते हैं। ये किसके द्वारा संभव है, हम अपनी संस्कृति को किसके द्वारा संभव बना सकते हैं पढ़ने के लिए, वो पठन पाचन के द्वारा ही बना सकते हैं। सत ग्रंथों से पठन के हृदय में ज्ञान, ज्ञान का अलोक फैसला है। तो पठन के द्वारा ही जो हमारे सत ग्रंथों में इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई हैं, पठन के द्वारा ही पढ़कर हम क्या है अपनी आत्मा के अंदर ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। तो इसी से क्या है हमारे सुख दुख से कल्पना लोक में जो क्या है विचरण करते हैं। ये किसके द्वारा संभव है स्टूडेंट, पठन के द्वारा। अगर हमें पढ़ना आता है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी सभ्यता सद ग्रंथों के अंदर निहित है, तो पठन के माध्यम से ही हम क्या है इसका मजा ले सकते हैं, हमारी जो आत्मा है उसके अंदर और भी ज्ञान विकसित कर सकते हैं। जो सुख दुख है, जिसके माध्यम से हम सुख दुख के कल्पना लोक में विचरण करते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि भाषा वाचन का ज्ञान हमें सामाजिक सम्मान देता है और साक्षरता का प्रमाण पत्र देता है। जो भाषा है हमारी लैंग्वेज है वो क्या है सामाजिक समुदाय के अंदर ही हम उसके द्वारा एक अच्छी पहचान बना सकते हैं और इसके द्वारा ही हमें साक्षरता का प्रमाण पत्र मिल सकता है। अगर हमें पढ़ाई लिखाई अच्छे से आती है, अच्छे से हमें बोलना आता है, अच्छी सी हमारे अंदर जो रीडिंग स्किल्स हैं वो अच्छे से है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि भाषा की विविधता का ज्ञान वाचन के द्वारा ही संभव है। अगर हमारे अंदर एक से अधिक भाषाएं बोलने का टैलेंट है, एक से अधिक हमारे अंदर स्किल्स हैं, जो हमें क्या है आम समुदाय के अंदर
आम लोगों के अंदर हमें दूसरों से अलग करती है वो किसके द्वारा संभव है? वाचन के ही द्वारा संभव है। तो भाषा की विविधता का ज्ञान वाचन द्वारा ही होता है, वाचन ही हमें विविध शैलियों से परिचित करवाता है। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर है कि ग्रंथ हमारे सच्चे मित्र है। जो ग्रंथ है वो क्या है? हमारे सच्चे मित्र है। ग्रंथों जो कि सुख में, दुख में, एकांत में, अस्पताल में, चाहे हम कहीं किसी पिकनिक पर जा रहे हैं, चाहे हम बस के द्वारा अकेले बैठे बस के अंदर टूर पर जा रहे हैं, तो क्या है ये ग्रंथ, ये बुक्स ही हमारे सुख दुख का, एकांत का, घर बैठे अस्पताल बैठे हम कहीं भी पढ़कर हर चीज का इंस्पाय इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट है कि सूर, तुलसी, कबीर आदि महान साहित्यिक आत्माओं के विमल दर्शन इसी शक्ति द्वारा शुरू होता है। जो हमने सूर, कबीर जैसे, जो तुलसी जैसे जो महान आत्माएं रही हैं, अगर हमने उनके द्वारा कुछ भी दोहे पढ़ने हैं, उनकी कविताएं पढ़नी है, या उनकी कुछ और चीजें पढ़नी है ग्रंथों के अंदर, तो वो किसके द्वारा संभव है? वाचन के द्वारा ही संभव है। तो हम क्या है, अपनी अमरवाणी की जनकार इसी हृदय की में गूंजती है, इसी इसी शक्ति से पठन और लेखन का समागम होता है। अगला पॉइंट है कि वाचन से हम किसी को भी मुक्त कर सकते हैं। वाचन के द्वारा ही हम क्या है, किसी को मुक्त कर सकते हैं। अगर हमारी वाणी के अंदर मिठास है, अगर हमें बोलना अच्छा आता है, तो ये किसके द्वारा संभव है? वाचन के द्वारा ही संभव है। अगला पॉइंट स्टूडेंट है इसके अंदर कि वाचन के प्रकार क्या है जी, वाचन के प्रकार। अब जो वाचन है वो कितने प्रकार का होता है? वाचन जो है, वाचन तीन प्रकार का होता है। क्या है? फर्स्ट जो है सस्वर वाचन, दूसरा है मौन वाचन, तीसरा है अध्ययन। तो हम फर्स्ट जो है, फर्स्ट में आपको पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करती हूँ। फर्स्ट है सस्वर वाचन, सेकंड है मौन वाचन और थर्ड है अध्ययन। तो स्टूडेंट हमने ये वाचन के प्रकार कि वाचन कितने प्रकार का होता है, वाचन क्या है, तीन प्रकार का होता है। सस्वर वाचन जिसे आप इंग्लिश में लाउड बोल सकते हो, अगला है मौन वाचन जिसे क्या है हम साइलेंट बोल सकते हैं, अगला वाचन है अध्ययन की स्टडी। अब हम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अलग अलग पॉइंटों के अंदर कि जो सस्वर वाचन है, जो क्या है लाउड रीडिंग है, ये क्या है, बच्चा इस जब बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से पढ़ने की क्षमता विकसित होती है तब इसे क्या बोलते हैं, सस्वर वाचन बोलते हैं। तो हम क्लियर करते हैं कि जब बच्चा स्वर सहित पठन करता है, स्वर सहित ऊंचा पढ़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम सस्वर वाचन बोलते हैं। तो सस्वर वाचन के द्वारा ही लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान करवाई जाती है और इसी लिपिबद्ध अक्षरों के द्वारा बच्चा वाक्य और अन्य शब्दों की पहचान करना शुरू कर देता है। तो सस्वर वाचन से बालकों में वाचन की क्षमता विकसित होती है और जो झिझक है वो दूर होती है और बच्चों के अंदर क्या है, आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं जो सस्वर वाचन, मैंने अभी बताया कि लाउड रीडिंग, अब इसके भी दो प्रकार हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, हम इसी को बात करते हैं, फर्स्ट है इसके अंदर व्यक्तिगत, सेकंड है सामूहिक। अब हम बात करते हैं कि जो व्यक्तिगत वाचन है जिसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल रीडिंग, तो बच्चे ये क्या है, दो लोगों के अंदर ही होता है। दो लोग कौन कौन से? टीचर और स्टूडेंट के बीच। अगर टीचर ने कुछ भी क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट से तो वो दोनों के अंदर ही डिस्कशन होएगा, किसी और बंदे के अंदर नहीं होएगा। अगला है सामूहिक कि पूरे समूह के अंदर, दो से अधिक लोगों के अंदर जो
जो पठन होता है, जो वाचन होता है, उसे सामूहिक वाचन कहा जाता है। अब एक टीचर बोल देता है एक स्टूडेंट को कि बेटा आप खड़े होकर पढ़ो, तो क्या है बच्चा सभी को सुनाता है, जो भी लेसन अपना पढ़ रहा है, तो वो क्या है, एक से अधिक लोगों के अंदर वाचन होता है, उसे हम सामूहिक वाचन बोल सकते हैं। ये दो मिले किसके हैं, सहस्वर वाचन के। अगला आ जाता है मौन वाचन। मौन वाचन क्या है, बच्चा बिल्कुल साइलेंट मूड में पढ़ता है, बच्चा जैसे जैसे पढ़ता है, जो शब्द पढ़ता है, उसके दिमाग पर वो चीजें अंकित हो जाती हैं। अगर हम दूसरा जो इंसान उसे देखते हैं, तो सिर्फ उसे उसके होठ हिलते हुए हमें नजर आते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मौन वाचन बोलेंगे। तीसरा है अध्ययन, जिसे हम स्टडी, स्टडी करके किसी भी चीज की ज्ञान, एक्सपीरियंस, नॉलेज, अनुभव जो भी प्राप्त किया जाता है उसे अध्ययन बोला जाता है, स्टडी, रीडिंग बोली जाती है। अगला पॉइंट है, इसके अंदर हम क्लियर करते हैं कि वाचन के कुछ नियम। अगला पॉइंट है वाचन के नियम। वाचन के नियम, स्टूडेंट देखिए कि वाचन के नियम एक अध्यापक को स्टूडेंट को पढ़ाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान लो कि हम पॉइंटों के द्वारा ही इसे क्लियर करते हैं कि अगर मान लो एक शिक्षक, एक अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है, किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ा रहा है, तो उसे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्लियर करती हूँ कि किसी वर्ग में यदि किसी घंटी लगते ही किसी अधूरे पाठ को पढ़ना है, तो शिक्षक को उसके उस पाठ को बीच में छोड़ने की बजाय जो एंड वाला पार्ट है, एंड वाला पैरा जिसे आप बोल सकते हो, तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म करके बच्चों को शॉर्ट शॉर्ट टाइम में ज्यादा समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक वाचन के नियम है। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, बच्चे पढ़ते पढ़ते सीखते हैं, तो बच्चों के आगे भी कोई ना कोई पुस्तक जरूर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि पढ़ते समय एकाग्रता रहनी चाहिए। जो पढ़ते समय स्टूडेंट के अंदर क्या है, एकाग्रता रहनी चाहिए कि बच्चे का जो मन है स्टडी में ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आ जाता है कि पढ़ते समय आवाज बुलंद हो, नेत्रहीन हो और नहीं मंद। जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है उसकी आवाज क्या है, बिल्कुल बुलंद होनी चाहिए, न तो वो ज्यादा गति से चलता नजर आना चाहिए और ना ही वो क्या है, मंद नजर आना चाहिए। अगला पॉइंट है कि पढ़ते समय आंखें निरंतर पुस्तक पर होनी चाहिए। जो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर का ध्यान तो पूरी क्लास को ही फोकसिंग में होना चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है उसका ध्यान अकेली पुस्तक पर होना चाहिए, सिर्फ इधर उधर भटकने की बजाय। अगला पॉइंट है कि कंठस्थ करने पर बल दिया जाना चाहिए। ये हुए वाचन के कुछ नियम। अब हम बात करेंगे कि वाचन पर प्रभाव डालने वाले कारक। अगला हमारा पॉइंट है वाचन पर प्रभाव डालने वाले, वाचन पर प्रभाव डालने वाले कारक। अब क्या है स्टूडेंट, हम इसे भी पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन से जो कारक हैं वाचन पर प्रभाव डालते हैं। तो हम इसके अंदर फर्स्ट लेते हैं वातावरण कि अगर एक टीचर बच्चों को शांत वातावरण के लिए वाचन बहुत उपयोगी होता है, अशांत वातावरण में कुछ भी संभव नहीं है। जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, रीडिंग कुछ भी करवाया जा रहा है, कुछ भी वाचन किया जा रहा है, तो वो क्या है, शांत वातावरण में ही उपयोगी है। अशांत वातावरण में वो चीजें असंभव है। अगला पॉइंट है इसके अंदर शारीरिक अवस्था। शारीरिक अवस्था, अगर बच्चे के अंदर शारीरिक रूप से कोई ना कोई दोष पाया जाता है, जहां दोष व विकार रोग
होने से वाचन के अंदर दोष आ जाता है, तो ये भी गूंगे के उच्चारण दोषपूर्ण जो क्या है होता है दृष्टि दोष वाले के पास, जो दृष्टि दोष वालों के अक्षर की पहचान ठीक से नहीं होती, ये भी क्या शारीरिक अवस्था है जो वाचन को एक प्रभावित करने वाला कारक है। कि शारीरिक अवस्था की हम बात करते हैं, अगर बच्चे के अंदर शारीरिक रूप से कोई दोष या विकार पाया जाता है तो भी क्या है वो वाचन का सही तरीके से क्या है एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर दृष्टि दोष वाला बालक है, उसे देखने में कोई प्रॉब्लम है, उनकी दृष्टि कम है, तो भी ये क्या है वाचन के अंदर एक दोष है। अगला पॉइंट है अनुभव, थर्ड पॉइंट है इसके अंदर अनुभव, क्या है जो हमारे एक्सपीरियंस है अनुभव है। अनुभव के द्वारा देखिए कि बालक के पास शब्द और विषय जितना अधिक अनुभव होगा वह उतना ही अच्छे से वाचन कर सकेगा। अगला पॉइंट है इसके अंदर मनोभाव, फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट मनोभाव। अब मनोभाव देखिए कि अगर क्रोध निराशा लज्जा आदि अवस्थाओं में शुद्ध वाक्य नहीं होता, इसके लिए शांत मनोभाव की आवश्यकता है। कई स्टूडेंट है जल्दी क्रोधित होते हैं, किसी किसी ने कारण से वो संकोच अनुभव करते हैं, या कोई और कारण होता है तो भी वो क्या है वाचन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगला हम पॉइंट इसके अंदर जो क्लियर करते हैं वो है शब्दावली, फिफ्थ पॉइंट है शब्दावली। अब शब्दावली देखिए स्टूडेंट कि शब्दावली शब्दों का कोश पर भी वाचन की सफलता विफलता तीव्रता और मंदता निर्भर करती है। शब्दकोश की हम शब्दावली की बात कर रहे हैं कि शब्दों के कोश पर भी वाचन की तीव्रता सफलता आदि महत्वपूर्ण रखती है। आप इसके अंदर मानसिक विकास भी ऐड कर सकते हो। वो मानसिक विकास कैसे कि उच्चारण अर्थ ग्रहण वाचन आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दुर्बल की अपेक्षा सबल बुद्धि वाले बालक जो है वो अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे पॉइंट कि वाचन पर प्रभाव डालने वाले कारक जो क्या है हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर किए। अगला जो हमारा पॉइंट है कि वाचन की सामान्य त्रुटियों को दूर करने के उपाय, त्रुटियां अगला हमारा पॉइंट है वो है, यहां पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसे रख करके। अगला पॉइंट हम क्लियर करेंगे इसी के अंदर की त्रुटियां दूर करने के उपाय। अगला पॉइंट है दूर करने के उपाय, ये पॉइंट अगला है हमारा कि जो वाचन की सामान्य त्रुटियों को दूर करने के उपाय, जो दूर करने के उपाय हैं इसमें हम लिख सकते हैं कि वाणी दोष तथा दृष्टि दोष का क्या है उपचार होना चाहिए, फिर शब्द भंडार के अंदर वृद्धि होनी चाहिए, आप ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वाचन की सामान्य त्रुटियों को दूर करने के उपाय वो क्या है स्टूडेंट, हम पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करेंगे कि शब्द भंडार के अंदर वृद्धि होनी चाहिए, वाणी दोष और दृष्टि दोष के उपचार होने चाहिए। अगला पॉइंट है ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान करवाया जाए, वाचन का अभ्यास करवाया जाए टीचर के द्वारा स्टूडेंट कि हर चीज को क्या है पढ़कर करवाया जाना चाहिए, तो इससे क्या है बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होती है। अगला पॉइंट है इसी के अंदर कि पाठ्य पुस्तकों को साफ तथा अनुकूल उसकी छपाई जो होनी चाहिए, जो भी किसी भी शब्दावली के अंदर लिखी गई है पाठ्य पुस्तकें वो बिल्कुल साफ लिखी गई होनी चाहिए। अगला पॉइंट है इसके अंदर कि बच्चों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। कई बार टीचर क्या है इतनी स्ट्रिक्टली बिहेवियर करते हैं कि
बच्चे डर जाते हैं, वो अच्छे से रीडिंग वाचन नहीं कर पाते, तो एक टीचर का अध्यापक के प्रति अच्छे से व्यवहार, सहानुभूति वाला व्यवहार होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि बच्चों के प्रति उचित मार्गदर्शन करना, कि बच्चों को ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए ताकि बच्चा आगे आकर कोई भी चीज जिसके ना झिझक दूर करने का जो जो मेन है वो कौन है, किसके पास है ये उपाय, टीचर के पास ही है ये उपाय। तो ये जो सहानुभूति देकर बच्चे को आगे लाना चाहिए, वेलडन, शाबाश, ये चीजें, ये शब्दों का क्या है यूज होना चाहिए, कक्षा के लिए अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए, जो कक्षा के अंदर है वो अनुकूल वातावरण होना चाहिए, फिर ही बच्चे के अंदर क्या है रीडिंग जो वाचन है अच्छे से डिवेलप हो सकता है। तो स्टूडेंट, आज हमने अपना अगली स्किल की पठन या वाचन, जिसे हम बोल सकते हैं कि रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल का पहले मैंने आपको अर्थ बताया, फिर क्या है अर्थ बताने के बाद वाचन का महत्व बताया, पॉइंटों के द्वारा क्लियर किए, फिर वाचन के प्रकार बताए कि वाचन कितने प्रकार का होता है। वाचन तीन प्रकार का होता है, सहस्वर वाचन, मौन वाचन और स्टडी, जिसे हम अध्ययन भी बोल सकते हैं। अब सहस्वर वाचन के क्या है, दो भेद होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। अगला पॉइंट मैंने करवाया आपको कि वाचन के नियम, नियम मैंने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर करवाए, फिर बताया कि वाचन पर प्रभाव डालने वाले कारक, वाचन पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे बताया वातावरण हो गया, शब्दावली होगी, शब्दकोश के अंदर आता है, जैसे मनोभाव हो गए, और आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे अनुभव हो गए, शारीरिक कोई दोष हो गया, मानसिक विकास भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर बताया कि जो वाचन के अंदर जो त्रुटियां आ रही है, जो कारण आ रहे हैं, उनको दूर करने के उपाय, अगला पॉइंट था हमारा दूर करने के उपाय, वो भी क्या है हमने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा क्लियर किए। तो स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमारी सेकंड स्किल रीडिंग, जो रीडिंग स्किल है, पठन कौशल है, वाचन कौशल है, वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो लेक्चर नंबर 5, जो लेक्चर नंबर 5 है, उसके अंदर हम अपनी अगली स्किल करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना, थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।